हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन का सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। ये मेथड है बच्चों हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड है बच्चों हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। वैसे बच्चों, जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों गुडविल का हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। उसमें गुडविल के हमने फर्स्ट मेथड को बता रखा है। बच्चों, अगर वो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग गुडविल के सेकेंड मेथड को, जो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर, ये मेथड कैसा है, सुपर प्रॉफिट कहा किसे जाता है, इसके अंतर्गत गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। आसान है बच्चों, समझिएगा। सुपर प्रॉफिट कहा किसे जाता है, सुपर प्रॉफिट होता है क्या है? कहा जाता है कि जब नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया जाता है, जब नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनेस के द्वारा अर्न किया जाता है, फर्म के द्वारा अर्न किया जाता है, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं उसी प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट या जो भी अधिक प्रॉफिट मिलता है या अर्न होता है किसी बिजनेस के द्वारा, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बिजनेस अर्न कर रहा है उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को बच्चों हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तब यहां पर बातें आती है कि सर, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहा जाता है? बच्चों, सिंपल में कहा गया है कि जितना आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट पर जितना आपका एक्सपेक्टेशन होता है, तो जो एक्सपेक्टेशन होता है प्रॉफिट अर्न करने का, वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही हमारे नॉर्मल प्रॉफिट कहलाते हैं। वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही हमारे क्या कहलाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाते हैं। इसे समझिएगा। जैसे मान के चलते हैं ये फर्म ए है और इसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया। फर्म ए ने अपने बिजनेस में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपए कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया। और फर्म ए ने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 15% पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। यानी इन्होंने एक्सपेक्टेशन कितना किया, एक्सपेक्टेशन किया कि मुझे कम से कम 15,000 रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए अपने बिजनेस से। जबकि जब उसने प्रॉफिट अर्न किया तो उसने 15,000 की जगह पर 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। तो फर्म ए का एक्सपेक्टेशन कितने परसेंट का था, 15% का। यानी कि वो चाह रहा था कि मुझे कम से कम 15,000 रुपए का प्रॉफिट साल में मिलना चाहिए, कम से कम 15,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे साल में मिलना चाहिए। जबकि एक्चुअल में उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, जबकि एक्चुअल में उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 20,000 रुपए का। तो इनका एक्स्ट्रा या एक्सेस जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है? तो कहिए ना कि सर, 20,000 माइनस 15,000 तो 5,000 रुपए का। तो एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जो उन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया कितने का, 5,000 रुपए का, ये कहलाता है बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट। ये कहलाता है आपका क्या, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट जो आपके होते हैं वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस प्रॉफिट होते हैं, और जो आप एक्सपेक्टेड करते हो प्रॉफिट वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा उतना आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि इस इन्वेस्टमेंट पर कम से कम मुझे इतने का प्रॉफिट प्रत्येक साल मिलना चाहिए, और जब उससे आप अधिक प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो वही प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो बच्चों अब सुपर प्रॉफिट की हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं, कहता क्या है समझिएगा। कहता है सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो कहा जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्सेस है एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्सेस है एक्चुअल प्रॉफिट, वो एक्चुअल प्रॉफिट ही हमारे क्या कहला रहे हैं, सॉरी वो एक्सेस प्रॉफिट ही हमारे क्या कहला रहे हैं, वो एक्सेस प्रॉफिट ही हमारे सुपर प्रॉफिट कहलाते हैं। फिर से इसे देखते हैं क्या कहता है। व्हेन अ फर्म अर्न मोर प्रॉफिट, जब एक फर्म अधिक प्रॉफिट अर्न करता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म, दूसरे फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेयर में जब एक फर्म अधिक प्रॉफिट अर्न करता है तो एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। वही एक्सेस प्रॉफिट ही हमारा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलते कि फर्म ए ने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इसी प्रकार एक फर्म और थे जो है आपका फर्म बी, इन्होंने भी बिजनेस में 1,00,000 रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और इनका भी एक्सपेक्टेशन था 15% पर एनम के हिसाब से, तो इन्होंने 15,000 रुपए का एक्सपेक्टेशन किया और एक्चुअल में जब इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया तो इन्होंने 15,000 का प्रॉफिट अर्न किया। इसका मतलब कि फर्म बी ने जितना कैपिटल लगाया उतना उनका एक्सपेक्टेशन था और उसने अपने एक्सपेक्टेशन के अनुरूप ही प्रॉफिट अर्न किया। 15,000 का एक्सपेक्टेशन था और एक्चुअल में प्रॉफिट भी अर्न कितना किया, 15,000। तो नॉर्मली एक फर्म की तुलना में जब दूसरी फर्म जो सेम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या जो सेम आपका इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जो भी आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया जाता है फर्म के द्वारा या दूसरी फर्म के द्वारा, तो दूसरी फर्म का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। फर्म बी के कंपेयर में फर्म ए ने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया जबकि फर्म बी ने मात्र कितने का प्रॉफिट अर्न किया, 15,000 का। तो इसके कंपेयर में ए ने कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया, 5,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया। तो जो 5,000 आ रहे हैं फर्म बी का, सॉरी फर्म ए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, वही फर्म ए का क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब यहां पर आते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा तो आपके क्या आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। तब यहां पर बातें आती है कि सर ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट को आप कैसे निकाल सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट कहां किसे जाता है। तो बच्चों समझिएगा नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, अभी हमने आप लोगों को बताया कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस इन्वेस्टमेंट पर जितना आपका एक्सपेक्टेशन होता है
तो वो एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट ही हमारा है, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाते हैं। वो एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट जो हम अपने इन्वेस्टमेंट पर अर्न करना चाहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीजों के बारे में जानना जरूरी है। एक है पहला हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां पर बातें आती है कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहा किसे जाता है। सिंपल सा है बच्चों, समझने का काम कीजिएगा। जितना भी आप अपने बिजनेस में या फर्म में टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक फर्म में किया गया है या एक बिजनेस में किया जाता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा मतलब होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो एक फर्म में इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो फर्म अपने बिजनेस को आसानी से रन कर सके, आसानी से चला सके, तो वो इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेड इन अ बिजनेस, जो एक बिजनेस में कर रखा गया है इन्वेस्टमेंट, वो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। या कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फॉर रनिंग द बिजनेस, जो एक बिजनेस को रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा गया है वो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। आगे कहता है इट इंक्लूड्स फंड कमिंग फ्रॉम बोथ द ओनर एंड लेंडर। यानी इसमें क्या शामिल किए जाते हैं, तो इसमें ओनर के द्वारा या लेंडर के द्वारा जो भी फंड इन्वेस्ट किया गया है, ओनर के द्वारा या लेंडर के द्वारा जो भी फंड इन्वेस्ट किया गया है वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट आपके कैपिटल फंड में इंक्लूड किए जाते हैं। ये आपके हो सकते हैं दैट इट कवर बोथ इक्विटी एंड डेट्स, यानी इसमें आप इक्विटी भी शामिल करते हो और साथ ही साथ डेट्स को भी शामिल करते हो। यानी ओनर और लेंडर के द्वारा जो भी अमाउंट फंड के रूप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। इसे हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज फंड एम्प्लॉयड, इसे हम लोग फंड एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तब यहां पर बातें आती है कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड आखिर निकलेगा कैसे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बच्चों आपके दो अप्रोच है। आप इसे एसेट साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हो और आप इसे लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हो। अगर एसेट साइड अप्रोच अप्लाई करते हो तो यहां पर क्या करना होगा, ऑल फील्ड एसेट, जितने भी आपके फील्ड एसेट है, हाँ, अदर देन गुडविल फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स्ड एसेट के अंदर जो आपके गुडविल होते हैं या फिक्टिटियस एसेट होते हैं या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसे छोड़कर जो भी आपके जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट होंगे उन सारे एसेट में करंट एसेट को जोड़कर करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिएगा तो आपके क्या आ जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएंगे। इसका मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर्गत क्या करेंगे, जितने भी फिक्स्ड एसेट है अदर देन गुडविल फिक्टिटियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन सबको छोड़कर जो भी आपके फिक्स्ड एसेट आएंगे उसमें करंट एसेट को एड करके
करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच को अप्लाई करते हैं तो क्या इस प्रकार से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो कहता है कि इक्विटी से कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कीजिए, फिर रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म डेट्स को ऐड कीजिए और इसमें से फिक्टिटियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दीजिए तो आ जाएंगे आपके क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएंगे आपके क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएंगे। तो जो भी आपके इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होंगे या रिजर्व एंड सरप्लस होंगे या लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे, इन सबको ऐड करके फिक्टिटियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दीजिएगा तो ये जो कैपिटल इंप्लॉयड आएंगे बच्चों ये कहलाएंगे आपके कैपिटल इंप्लॉयड। कौन से अप्रोच के अंतर्गत, ये कहलाएंगे आपके लायबिलिटी साइड अप्रोच के अंतर्गत। तब यहां पर चाहे आप एसेट साइड अप्रोच को अप्लाई कीजिए चाहे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच को अप्लाई कीजिए, आपके दोनों के आंसर सेम आएंगे। अब यहां पर बातें आती है कि सर अगर कैपिटल इंप्लॉयड के अंतर्गत देखते हो, अगर कैपिटल इंप्लॉयड के अंतर्गत देखते हो तो कैपिटल इंप्लॉयड साफ पता है बोथ इक्विटी एंड डेट्स, यानी कि ये दोनों को कवर करता है, इक्विटी को भी कवर करता है और डेट्स को भी कवर करता है। तो अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच को देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारे के सारे हमारे किसके पार्ट्स है, इक्विटी फंड के पार्ट्स है और जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो किसके हैं, वो हमारे डेट्स के हैं। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो बच्चों कि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर्गत इक्विटी को भी शामिल किया गया है और डेट्स को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर दूसरी बातें आती है कि सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसे कहा जाता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया टोटल इन्वेस्टमेंट पर कितना आपका एक्सपेक्टेशन है, या जितने आपने या जितना आपने अपने बिजनेस में या फर्म में कैपिटल लगाया उस इन्वेस्टमेंट या कैपिटल पर आपका एक्सपेक्टेशन कितने परसेंट का है, वो परसेंट ही, वो प्रतिशत ही हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। जैसे समझिएगा फर्म ए ने 1,00,000 रुपए कैपिटल के रूप में लगाया, एक का एक्सपेक्टेशन कितने परसेंट का था, 15% का था, तो ये जो 15% है बच्चों यही हमारा कहलाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जितने परसेंट का आपका एक्सपेक्टेशन है आपके इन्वेस्टमेंट पर, वो एक्सपेक्टेशन ही आपका, वो एक्सपेक्टेशन परसेंट ही आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है और उस पर जो आपका अमाउंट आपका आता है तो वो कहलाता है बच्चों आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब कि 1,00,000 पर 15% का एक्सपेक्टेशन था, जो अमाउंट कितना आएगा 15,000, तो ये 15,000 मेरा क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसे पढ़ते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिटर्न है विच इज एक्सपेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर, जो एक इन्वेस्टर के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपेक्टेड होते हैं फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट से, यानी जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट से उनका कितने परसेंट का एक्सपेक्टेशन है, वो परसेंट ही हमारे क्या कहलाते हैं, वो परसेंट ही हमारे कहलाते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ बच्चों यहाँ पर एक बात समझने का काम कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टर का अपने इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग एक्सपेक्टेशन होंगे, तो अलग अलग इन्वेस्टर का अपने इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग एक्सपेक्टेशन होंगे, तो जो उनका एक्सपेक्टेशन होगा अपने इन्वेस्टमेंट पर वही उनका क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। अब यहां पर बातें आती है कि सर गुडविल को हम किस प्रकार से वैल्यू करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं बच्चों। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल वैल्यू करने का कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला फाइंड आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट या
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो बच्चों इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? अब सेकंड कहता है फाइंडिंग आउट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, यानी कैपिटल इंप्लॉयड जितना भी आपने कैपिटल इंप्लॉयड कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसे क्या कर दीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आपके आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे इन्होंने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा था और एक्सपेक्टेशन कितने परसेंट का था, 15% का था, तो इनका जो भी 15,000 रुपए आएगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएंगे। आगे क्या कहता है, आगे कहता है फाइंडिंग आउट सुपर प्रॉफिट। तो कहता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया उसमें से आपका नॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे तो आपकी क्या आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट। और लास्ट कहता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो कहा जाता है कि सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बच्चों ये आ जाएंगे आपके गुडविल। और इस प्रकार से बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम लोग गुडविल को क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चों।